bait. Tick, hang in it. Look how it hang in it. Okay guys, so आज मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, तो आज मैं दिखा रहा हूँ दो तीन दिनों के बाद हमने यहाँ पे जो उगाने के लिए रखा था जवारा को देखने आए हम लोग, कितना बड़ा हो गया देखो, ये उग गया मस्त। और ये है छोटू वाला, मस्त हो गया है गाइस तीनों में, फाइनली काफी मस्त हो गया। अब इस काम क्या करेंगे, कल परसों इसको टीका लगाएंगे, इसको लगाने तो परसों जब टीका वगैरह होगा, टीका लगाएंगे तब इसका यूज होगा, आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके गाइस, तो हम अभी मंदिर जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूजा करेंगे, उसके बाद घर जाके दादी टीका वगैरह करेगी, फिर हम खाना खा पाएंगे, ऐसे बैठ के मंदिर आए हम लोग। तो अब हम घर जा रहे हैं, मंदिर से पूजा कर लिया हम लोग ने, और यहाँ पर दादी के हाथ के टीका लगाने के लिए सब चाची, फिर भैया टुप्पी मास्टर वाले भैया, अभी देखो लगा रहा है सब लोग लगाएंगे। रोंजी ने भी पहले लगा लिया, मैंने भी सबसे पहले लगा लिया, हम लोग दोनों बहुत चालाक हैं। लाइन भी नहीं लगते। ओके गाइस, तो मोमो ने मुझे बोला आज कहीं घूमने चलते हैं अच्छी जगह पे करके, सब्जी मंडी में घुसा दिया है मुझे इतनी भीड़ में, पता नहीं आवाज भी आएगी कि नहीं, वो भैया बेचारा खो जाएगा पीछे। सब्जी मंडी में घुसा दिया है इन लोगों ने मुझे। घुमाने लेके जाती हूँ करके सब्जी मंडी में घुसा दिया है मोमो ने। सुबह से ना बिका है आलू, ना बिका है आधा कांदा, कांदा तो है ही नहीं, कांदा है ही नहीं इसलिए बिका ही नहीं। देखो मोमो की सिलेक्शन, आलू का पूरे साल का स्टॉक आ चुका है, कांदा ले रहे अभी सब्जी मंडी में घुसा दिया, पता नहीं मैं कितने मस्त कपड़े पहन के आया था। ये कौन आ गया, बॉडीगार्ड। ये देखो सब्जी मंडी में मैं खो ना जाऊं इसलिए मेरा हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है मुझे, हमारी ट्रेन बनी हुई है भैया से लेके इप्पी के बाद बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड के बाद मम्मो, और फिर मैं हाथ पकड़ते जाते हुए लाइन में सीधा
बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत कौन बना रसवाला खुल गए बंद अटल का ताला तेरा खोलना सच पर जाके टाव को हां हां ये लड़की को पटा लो भाई पान बन रहा है यहां पे पान मीठा पान गाइस मीठा मीठा पान खाई के पान बना रसवाला पान खा रहे हैं गाइस गुड मॉर्निंग और फाइनली फाइनली वो दिन आ गया, दशहरा आ गया। आज दशहरा है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। चाची अंकल सब लोग आ गए हैं और सुबह के 8 बजे शायद 8 और सूरज ज़्यादा चमक रहे मेरे फेस में, बट अच्छा लगता है। तो सुबह के 8 बजे और थोड़ा सा ठंडा मौसम भी है, अभी तो धूप लग गई नहीं, तो सुबह सुबह बहुत ठंडा मौसम था और मैं सुबह उठ के नहा लिया था मैंने, बाल अभी तक नहीं सूखे हैं। और पीछे का नज़ारा देखो गाइस, वो देखो बादल, देखो कितना तो प्यार हो जाए इस बादल से, ऐसा बादल है। और राम जी ये सो रहे हैं हमेशा की तरह, फिर उनको उठाऊंगी, फिर उनको धक्का मार मार के नहाने भेजूंगी, गर्म पानी हो चुका है तो धक्का मार मार के नहाने भेजूंगी, फिर तैयार होंगे, फिर तैयार हो जाएंगे, फिर टीका लगाएंगे, फिर वो मतलब यही सब बेस्ट नॉर्मल ही है, टीका लगाएंगे फिर घूमेंगे इधर उधर, तो देखते हैं। तो तब तक रोन जी को दिखाती हूँ रोन जी क्या कर रहे हैं। और आप लोग को और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले मम्मी के साथ जाके फेसियल किया था, फेसियल वैसे आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम में फॉलो किया ना उन्होंने देखा होगा फेसियल किया था मैंने, उसकी वजह से मेरा फेस पूरा ख़राब हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ पर रेसेस आ गए और अभी तो बहुत कम हुआ है। जिस दिन मैंने किया था उस रात रोजे ने मुझे बहुत डांटा था क्योंकि मैं कभी कुछ यूज़ नहीं करती, फर्स्ट टाइम फेसियल किया था, वो भी मेरा गंदा, बहुत गंदा गंदा रहा। तो राम जी उठ जाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी, फैल के सो रहे हैं। तो ये हमारा भी रूम है, हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, दादी आ गई है, सब आ गए, तो ऊपर शिफ्ट हुआ, बहुत गंदा रूम है मत देखना फैला हुआ है क्योंकि कुछ सेट ही नहीं कर पाए, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर शिफ्ट हो गए। तो ये रूम के बाहर है, देखो रूम ये रहा, तो रूम के बाहर ये मिलता है, तो क्या चाहिए, जन्नत मिलती है सुबह सुबह उठने के बाद, मजा आता है। तो 8 बजे भी उठो ना तो क्या नज़ारे हैं पहाड़। चलो थोड़ी देर के मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होगी तो दिखाऊंगी, नहीं तो तैयार होके मिलते हैं, बाय। तो नीचे आ गई मैं किचन में, चाची दोनों चाची काम कर रही है और सामने अचार बन रहा है गाइस, देखो जूम करके दिखाती हूँ उनको, हाँ कैसे होता है जूम, हाँ हो गया, ये देखो मस्त लग रहा है, यम्मी टेस्टी। चाचा चाची सब अपने अपने काम में बिजी है, बस मैं ही शूटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं घर के भी बेटी हूँ, शादीशुदा तो काम करना नहीं पड़ता है, तो क्या बातें कर रहे हैं, अंकल देख रहे मुझे तो सब बिजी है। चार बन रहा है, इसको तड़का लगाते हैं यहाँ पर, तो अब अचार को मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग डालो डालो आंटी डालो, अभी देखो अभी पूरा पीला हो जाएगा। और नेपाल में ना बहुत अचार खाते हैं, फेस्टिवल के टाइम में बहुत बनती है, वो कर क्या रहे आंटी, सब बिजी है अपने काम में। तो हमारी चाची का हाथ जल गया था तड़के लगाते टाइम, तो हम लोग आइसिंग कर रहे हैं भैया और चाची, और यहाँ पर अचार बन चुका है, पीला पीला हो गया है, लगाओ लगाओ झाड़ू लगाओ अच्छे से लगाओ भैया। राजमा बना रहे हैं ना, राजमा बना रहे हैं हम, हाँ ग्रेवी वाला राजमा, सब्जी पक गया पिता पका देंगे तो यहाँ पर राजमा तैयार हो गया है, ये देखो अभी नहीं खाते आज भैया, खा गए रे बाबा पूरा खा गए, अभी भी ठूस रहे हैं,
पेट देखो इनका पेट। मैं चूड़ी पहनने बहुत काम कर रही हूं। साड़ी पहनी है बड़ी मुश्किल से कैरी कर रही हूँ। चलो चलो चलते फिर। मोमो साड़ी में कैसी लग रही है बताओ गाइस। मोमो ने ये कितनी बार साड़ी पहनी होगी। ज्यादा नहीं पहनती मोमो को, ज्यादा दिक्कत होती है थोड़ी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये देखो पबजी लवर्स। नमस्ते अंकल। देखो ये सारे भाई है, सारे पबजी लवर है, हर रोज यहाँ पे बैठ के यही खेलते रहते हैं। ये सब रो भी मरेगा, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो मर जाता है। मारो मारो। एक भी नहीं लगा। मैं बोला था जैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो मर जाता है। यहाँ पे किचन है, किचन में भी कोई नहीं है। यहाँ पर टिकटॉक टिकटॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं। नमस्ते। दादी जी है यहाँ पे, छोटा भाई बहन। हाँ यहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं सब मिलके। पापा तैयार हो गए, पापा बाहर गए। सब लोग रेडी हो गए हैं, तो अभी स्टार्टिंग में डोर पे ऐसे टीका लगाते हैं, गोबर और टीका, माथे पे टीका लगाने से पहले। हाँ तो अंकल लगा रहे हैं, सब देख रहे हैं शायद। हाँ लग गया, अभी लग गया। फिर दादी पूजा करती हैं, कलश वगैरह की। गाइस देखो ऐसे सब लोग पूजा करते हैं। सब पूजा करो, आप लोग भी पूजा करो, मनोकामना मांगो। तो सबसे पहले छोटों से टीका स्टार्ट होती है गाइस। तो ये तीन बैठे हुए हमारे सैतान लोग, तो सब अभी टीका लगाएंगे। अभी सब लोग बाहर नहीं निकले, अभी अंदर ही है, तो अब सभी थोड़ी देर में सब अंदर से बाहर आएंगे तैयार होके। आधे तैयार हो गए, आधे तैयार होने में टाइम लग रहा है। तो रो गए तो भाई बहनों के बाद हम दोनों का टर्न आ गया, क्योंकि हमारे नेपाल में दामाद को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो दामाद के साथ बेटी भी आ गई फ्री में। हम लोग का टीका होगा, तो सब रेडी हो गए। रोहन जी को ये देखो, ये टूट पड़ गए सब। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ गाइस, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। भर भर के आशीर्वाद मिलते हैं, अभी आप लोग सुनना। गुरु का दाहिनी है, तरक्की करे, तरक्की हो, हम लोगों से बहुत प्यार करे। जिंदगी भर आप खुश रहे हैं, सबको खुश दे। बोल रहे हो ना, हिंदी में बात कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है। वही 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 आ तो सही लाओ। रोहन जी का हो गया, अब मेरा टर्न है। मैं अपना माथा दे दिया है, रंगीन कर दो मम्मी पापा चाचा चाचियों। घर घर के आशीर्वाद मिल रहे हैं, और वो आशीर्वाद सुन के थोड़ा सा मैं सेंटी हो जाती हूँ। अरे भगवान, दोनों जिम्मेवारी हमेशा अच्छी तरह से निभाना। यहाँ टीका खत्म होने के बाद भी शायद मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने ये देखो
खुद ही लगा लिया अपने आप को टीका, कमी हो गई टीका लगाने क्या। तो उसके बाद दक्षिणा मिल रहे हैं, देखो किसी के दक्षिणा नहीं छोड़ूंगी मैं, खींच खींच के लूंगी सब। तो मुझे अभी देखो आंटी का दक्षिणा खींच के ले लिया मैंने। आईफोन प्रो मैक्स खरीदना है मुझे इसी पैसों से, दादी ने भी दे दिया। चलो नमस्ते बोल दिया सबने सबको। अब मेरे दो प्यारे प्यारे क्यूट भैया का टर्न है, वो लोग आ गए। पता नहीं सुशील भैया कहाँ पर है, तो पापा चिल्ला के बुला रहे हैं उसको कि जल्दी आओ बहनों को और तमा जी को टीका लगाओ, मतलब ज्वाई बोलते हैं लोग शायद। तो वो आ गया भैया। फिर एक्चुअली ना मेरे भैया लोग रौनजी से छोटे हैं, बट मैं भैया लोग से छोटी बहन हूँ, तो रौनजी को अभी इनको जेठान बोलना पड़ेगा, मतलब बड़े भैया बोलना पड़ेगा। तो ऐसा सीन है, तो इसलिए वो लोग टीका लगा रहे हैं। और यहाँ पर यही डिस्कशन हो रही है कि ये दोनों टीका लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े मेरे से और पीछे जो भाई हैं वो छोटे हैं, तो वो लोग साले हैं, तो साले लोग टीका नहीं लगाएंगे, सालों को जीजू टीका लगाएंगे और उनको पैसा देंगे और ये लोग हमें टीका लगाएंगे, ऐसा सीन है। तो यहीं पर यहीं पर डिस्कशन हो रही है, यही सब बातें चल रही है। और यहाँ पर आसुभिया ने दिया पैसे, तो उसके बाद ये सब होने के बाद अभी पैर पड़ेंगे। तो ये भैया ने भी दे दिया, मेरे भैया ने भी पैसे, अभी दोनों पैर पड़ेंगे। मेरे भैया ने मुझे दिया, फिर देखो मैं दोनों पैर दूंगी। देखो ये हो गया, दूसरा भी छोड़ूंगी नहीं, ये मौका ना छोड़ना नहीं चाहिए बहनों को ऐसे पैर पड़वाने वाला मौका। हमारा होने के बाद अभी भाइयों को वापस लगाया जाएगा, छोटे भाइयों से लेके बड़ों तक। तो ये परमोत और सुलभ बैठे हुए, इनको अभी टीका लगाएंगे। आप टीका लगा सकते हो लोगों से, टूट पड़ जाते हैं देखो ऐसे सब के सब। और अब दूसरे भाई की एंट्री हो गई, दो भाइयों की, सौरभ और माधव की, वो लोग अब टीका लगाएंगे। फिर हमारे दो बड़े भैयाओं का टर्न आ गया है, तो यहाँ पर सब टीका लगा रहे हैं। यहाँ पर आंसू भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दादी आंसू भैया को पैसे दे रही है। एक्चुअली होता क्या है कि दशहरे में लड़कियों को पैसे देते हैं, और जैसे कि अपनी बेटी के पति को पैसे देते हैं, बट लड़कों को नहीं मिलता, घर के जो लड़के होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ पर दादी ना सबको पैसे और चॉकलेट दे रही है, तो सब वही बोल रहे हैं कि पैसे देते हैं ऐसे करके, तो हंसी मजाक चल रही है यहाँ पर थोड़ा सा। तो आज सुबह इसलिए मस्त खुश हो गए थे पैसे मिले करके। तो मेरे भैया का टर्न आ गया, और वो यही मतलब यहाँ पर फिर भैया की शादी के अगले साल दशहरे में तुम्हारी पत्नी को भी लगा पाए, ऐसी बातें चल रही है। भैयाओं के होने के बाद अभी चाची, छोटी चाची से लेके मेरे पापा मतलब सबसे बड़े, तो ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा। अभी छोटी चाची से लेके बड़े चाचाओं तक, कभी मेरे दो दूसरे सेकंड लास्ट वाले चाचा आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे करके एक लाइन में टीका लगा दिया जाता है सबको। तो फिर मेरी ये दूसरी चाची अकेले इसलिए क्योंकि अंकल आउट ऑफ कंट्री हैं। फिर ये वाले चाचा वो पर थम्स अप दिखा रहे हैं। फिर लास्ट में मेरे पापा, तो मेरे पापा सबसे बड़े हैं इसलिए लास्ट में दादी बस टीका लगाती है पापा को, तो सबसे बड़े हैं इसलिए दादी ही लगा रही है, क्योंकि और सब नहीं लगाते, अपने से छोटों लोगों को टीका लगाते हैं यहाँ पर दशहरे में इसलिए। तो इसी के साथ मम्मी पापा लास्ट थे यहाँ पर टीका लगाने वाले, और दादी को शायद हमारी छोटी वाली बहन टीका लगाएगी। तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, मतलब फैमिली जो दशहरा ना यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अभी आएंगे बाहर से लोग, रिलेटिव्स वगैरह लोग बहुत सारे दादी को मिलने, क्योंकि दादी सबसे बड़ी हैं। तो ये आज दिन भर मतलब ये दशहरे के दिन में दिन भर चलता रहता आना जाना, तो उस चीज़ का शायद हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो गाइस। तो इसलिए ओनली हमारी फैमिली की ही रिकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे वीडियोस में, जिससे आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगी क्या क्या होता है दशहरे में नेपाल में। तो यही होता है हम लोग के में। तो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़
लाइक करना, कमेंट करना आपको क्या अच्छा लगा करके ये सब। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन दादी को टीका लगा रही है। तो ये दशहरा बस हमारी फैमिली फैमिलियों का दशहरा ख़त्म हो चुका है, अभी दूसरे रिलेटिव्स आएंगे। ये देखो हमारा एक और नया फैन जुड़ी है यहाँ पे, घर के फैन हमारे एक और क्या नाम है, श्रेयंस हमारा नया फैन एक और घर में। हाँ तो घर में से एक और नया फैन, पूरा फैमिली फैन ही हमारा। हाँ नाना जी के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे सब मम्मी पापा और मम्मी जाएंगे, मैं भैया लेके जाएगा रोहन जी को और भाई लेके जाएगा मुझे। तो चलो चलते हैं, कैसी लग रही है मुझे बता। जैसे तैसे भैया के पीछे, और ये चले हम नाना जी के हाथ से टीका लगाने के लिए पल्सर बाइक लेके। देखो आगे रोहन जी जा रहे हैं, आगे चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। लाल साड़ी देखा बात इतने उड़ोगे मेरे उड़ो, इतने कान खोने आयो भैया के, कान से उड़ के मेरे पास आ गया। वो जमारा, इसको जमारा बोलते हैं इसको, टीका भद्रकाली कपालिनी दुर्गाचना शिवा धात्री जय तम देवी चामुंडे जय भूता दिया जय सर्वगते देवी कागाती नमस्ते। भैया भाई सो रहे बेचारे, इसलिए उठा नहीं सकते बेचारे, सो रहे हैं मम्मी की तरफ से भी। ओके गाइस, तो बहुत सारी जगहों पे घूम के टीका करवा के लगवा के आ गए हम लोग वापस। एंड मोमो यहाँ पे अभी जो जो लिफाफे मिले थे हमें उसमें से पैसे निकाल रही है। देखो अमीर हो गए मोमो, अमीर। मेरे और मोमो के दोनों के लिफाफे इकट्ठा कर लिए हमने, अभी ढेर सारे पैसे मोमो के पास। पैसा 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 मोमो सारे लिफाफे खुले, आधे खुल गए हैं आधे बाकी है, और हम बहुत थके हुए अभी। रो रहा मोमो का पांडू चूरन, ढेर सारे पैसे, हम बहुत थक चुके गाइस। हाँ ये नेपाली करेंसी है, नेपाली करेंसी है। तो बहुत ही थके हुए हैं, लेकिन अभी भी और भी दो तीन जगह पे जाना है हमें, अभी सो भी नहीं सकते। ₹10 कौन दिया है? ₹5 किसको मिला? आपको मिला या मुझे मिला? था मुझे दिया। ₹500 पाँच से ऐसा बोलते हैं ना यहाँ पे, मोमो गिनेगी खोल के फास्ट फॉरवर्ड पिंग करके आवाज आएगी इसमें। नहीं है खत्म, मैंने सारे अरे सारे निकाल दिए। तो दो तीन जगह पे और जाना है, हम लोग थक गए इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ये तो अपने घर और मामा के घर।
मोमो के फोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है, रिकॉर्ड करते करते आईफोन हमारा फुल हो गया, तो अभी हम वन प्लस 11 वाले मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत कुछ है, मोमो अमीर हो गई। चंडी माता लग रही है। मुझे छिपाने की जरूरत क्या है? तभी तभी ऐसे छिपा छिपा के आईफोन ला के दिया ना, मुझे जरूरत पड़ती है छिपाने की। ₹10 खत्म।